अपन को पूरे 1 साल लगा इस आर्मर को तैयार करने में। इसकी काम थोड़ा सा ही बाकी है, बस 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। और एक बार ये आर्मर तैयार हो गया फिर मुझे कोई नहीं हर सकता। चलो इसकी काम को मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। अरे भाई साहब, ये क्या था? किसी ने मुझे काफी जोर से मारा है। और ये क्या, मेरे आर्मर? अबे यार, मैंने इसको 1 साल लगा के बनाया था, इसने तो मेरे आर्मर की बैंड बजा दिया है और मेरे ऊपर फेंक के मारा था थैनोस को। भाई साहब, ये है कौन जिसने थैनोस को मार के मेरे ऊपर फेंका है? ये कौन आ चुका है? इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। भाई तू है कौन? टोनी स्टार्क, तू मुझे नहीं जानता लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। हर एक टाइमलाइन में सबको मैं मार देता हूँ लेकिन मैं तुझसे हार जाता हूँ। मुझे एक ही टाइमलाइन मिला जिसमें मैं तुझे मार सकता हूँ और वो है यही टाइमलाइन। तू आज मरेगा मेरे हाथों टोनी स्टार्क। बाय द वे, मेरे नाम है कैंग द कॉन्करर। अबे यार, ये किस तरह की मुसीबत है? मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। कोई आ चुका है कैंग द कॉन्करर और इसने मेरे 1 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया और अब ये मुझे भी मारना चाहता है। इसकी तो, अरे ये तो भाग गया। क्या ये डर के मारे भाग चुका है? चलो ये तो क्या, अबे नहीं, ये तो आ चुका है और आके मुझे मार भी रहा है। अबे इसकी तो, अब तो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। बहुत सहले मैंने, कमान ए ले। अरे मेरे मारने से पहले ही मुझे मार रहा है, इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। अबे ब्लू लेजर भी मार रहा है, मैं इसको हरा नहीं सकता। मुझे अभी इधर से निकलना होगा। क्या ये मेरे पीछे आ रहा है? नहीं, मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मुझे जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा, इस सूट के साथ मैं इसको हरा नहीं सकता। उसने मेरे ही मैंसन से मुझे भगा दिया है और मैंसन के बिना मैं मेरे सूट को अपग्रेड भी नहीं कर सकता। अरे हाँ, अगर मुझे इसको हराना है तो मुझे सबसे पावरफुल मेटल से सूट को अपग्रेड करना चाहिए और सबसे पावरफुल मेटल है वाइब्रेनियम। चलो मैं चलता हूँ वकांडा पर, वकांडा से मुझे मिल जाएगा वाइब्रेनियम। फाइनली अपन उड़कर आ चुके हैं वकांडा पर। देखते हैं अभी ब्लैक पैंथर है कहाँ पर। इधर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, उधर कोई खड़ा हुआ है। ऑल राइट, ये रहा ब्लैक पैंथर। ये तो इधर खड़ा होकर कॉफी पी रहा है और साथ में इसके 2 सिक्योरिटी गार्ड है। अबे यार, इसके सिक्योरिटी ने मेरे ऊपर एम कर लिया, मैं तो इसको दुश्मन भी नहीं हूँ। अरे तुम लोग अपने गन को नीचे करो, टोनी को मैं जानता हूँ लेकिन टोनी स्टार्क आया है वकांडा पर, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? ब्लैक पैंथर, मैं ऐसे ही घूमने नहीं आया, मुझे अभी तेरी हेल्प चाहिए। कैंग नाम का एक बंदा आ चुका है, उसकी ताकत इतना ज्यादा है, उसने थैनोस को मार के मेरे ऊपर फेंका था। उसको हराने के लिए मुझे चाहिए वाइब्रेनियम जिससे कि मैं एक पावरफुल सूट बना पाऊँ। क्या तू मुझे वाइब्रेनियम दे सकता है? टोनी, मैं तुझे जानता हूँ लेकिन तू मेरे कोई दोस्त नहीं है जिसको मैं वाइब्रेनियम दे सकूं। लेकिन मैं तुझे दे सकता हूँ एक ही शर्त पर, तुझे मेरे लिए काम करना होगा। अरे यार, अभी मुझे इसके लिए भी काम करना होगा? चल ठीक है, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, मेरे भाई किलमोंगा ने वकांडा से एक वाइब्रेनियम का टुकड़ा चुराया है। वो जाके जंगल में किस तो प्लान कर रहा है, तुझे जाकर उस वाइब्रेनियम के टुकड़ा को लाना होगा और साथ में मेरे भाई को लाना होगा, तब मैं तुझे दे सकता हूँ वाइब्रेनियम। ये ब्लैक पैंथर तो काफी ज्यादा मतलबी निकला। खैर जो भी हो, मुझे वाइब्रेनियम के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। किलमोंगर को मैं इस सूट से हरा ही सकता हूँ। चलो मैं चलता हूँ जंगल में, देखते किलमोंगर है कहाँ पर। उड़कर अपन आ चुके जंगल के पास, अभी मुझे किलमोंगर को ढूंढना होगा। ओके, इधर किसी का घर दिखाई दे रहा है, ये किसकी घर है? अरे नहीं यार, इधर तो किलमोंगर नहीं है। मुझे स्कैन करना होगा पूरी जंगल को, देखते किलमोंगर है कहाँ पर। अबे कहाँ चला क्या? अब जंगल इतना बड़ा है। ओके, इधर क्या चीज है? ऑल राइट, ये रहा वाला जगह। सच में इधर काफी सारे पैंथर की लाश पड़ा हुआ है जैसे ब्लैक पैंथर ने हमें बताया था, तो इधर ही हो सकता है किलमोंगर। अबे यार, इसके कितने सारे बंदे हैं इधर और इसने काफी सारे मिसाइल वगैरह चुरा कर इधर रखा है। कहीं पर अटैक की प्लान बना रहे ये लोग। बेटा अपन ऐसा होने नहीं देंगे, कमान तुम्हारी ऐसे की तैसी है, मारा इसको। अरे भाई सब, जैसे मैंने एक को मारा बाकी सब मुझे मारने लग गए। चले ले, इसको तो एक झटके में उड़ा दिया। तुम लोग भी लो, कहाँ पर छुपोगे? अबे ये तो इसके पीछे छुप रहा था, बट ये भी गया काम से। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जैसे छोटे मोटे गुंडों को मैं ऐसे उड़ा सकता हूँ? देख लो सबके सब कैसे मर रहा है। अबे एक गाड़ी मार के दोनों को उड़ा दिया है, और तू भी ले। चलो ये तो क्या, और कौन बच रहा है? ऐसे छोटे मोटे गुंडे क्यों आ रहा है? तुम लोगों की बॉस को बुलाओ, इनकी बॉस किलमोंगर है कहाँ पर? वो तो मुझे कहीं पर भी दिख नहीं रहा। ओके, उधर बस एक बचा हुआ है। अबे तेरी तो, निकल इधर से। पता नहीं ये किलमोंगर कहाँ पर चला गया, अगर मैंने उसको नहीं हराया, अरे ये तो आ चुका है। और ये क्या है, क्या ये किलमोंगर? अबे इसके पास भी तो ब्लैक पैंथर जैसा सूट है। उसने तुझे पूरी बात बताया नहीं, मैंने उसकी सूट में से एक सूट चोरी कर लिया था और अगर वो मुझे पकड़ने आता तो मैं पीछे से जाकर वकांडा पर अटैक करता, लेकिन उसने तुझे भेजा है तो तू मरेगा आज। अबे हाँ यार, ये ब्लैक पैंथर की ऐसी की तैसी, मुझे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसके पास भी ऐसा पावरफुल सूट है। और भाई ये क्या ही मार रहा है। गाइस, इस किलमोंगर को हराने के लिए आप लोगों की लाइक चाहिए।
जल्दी से लाइक करो और मैं उसको उठकर हराता हूँ। अबे तेरी बहुत हो गया, कितना मारेगा? तेरे भाई ने मुझे भेजाई और ये मुझे मार जा रहा है। कम ऑन एका, चलो इसको मैंने उड़ा दिया है। अरे नहीं, ये तो फिर से उठ के आ रहा है। अब तो तेरा बहुत हो गया, आ जा इस तरफ, तेरी तो एक का तू। ऑल राइट, इसको अपन क्या ही उड़ा दिया। अरे मेरा एनर्जी खत्म हो गया, तेरी तो हिले। मेरे सूट में भी बहुत ही ज्यादा पावर है, मैंने खुद से वाली सूट बनाया है। कम ऑन, चलो आखिरकार एक क्या काम से अपन इनको लेकर आ चुके वकांडा पर। देखते ब्लैक पैंथर है कहां पर, पिछली बार तो मुझे इधर ही मिला था। अरे नहीं, इधर नहीं है, कहां पर है? ओके हेरा, अभी लोग इधर आ चुका है। खैर कोई नहीं, अपन इनको लेकर आ चुके हैं। और ब्लैक पैंथर, एरा तेरा भाई और एरा भाई बेनियम के टुकड़ा। अब जैसा तूने प्रॉमिस किया था, मुझे सूट बनाने के लिए तू देगा भाई बेनियम? अरे हाँ हाँ, मैं किंग हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। कोई टोनी को लैब में लेके जाओ, इसको सूट बनाने के लिए जितना भाई बेनियम चाहिए उतना दो। ये तो अच्छा हुआ कि ब्लैक पैंथर मान गया था और मैंने उसकी लैब को यूज करके बना लिया भाई बेनियम के सूट। अभी शायद मैं किंग को हरा सकता हूँ। चलो अपन उड़ के चलते हैं। भाई इनके वकांडा में क्या ही सिस्टम बना हुआ है। चलो अपन इधर से निकलते हैं और देखते हैं किंग है कहाँ पर। अरे भाई साहब, मैं तो उड़ के जा रहा था और इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया इतनी जल्दी? टोनी तू कहाँ पर छुप गया था? अच्छा तू वकांडा गया था, भाई बेनियम की सूट से मुझे हराएगा? अरे मैंने कितने ब्लैक पैंथर को मारा है गिनती भूल गया, और तू मुझे हराएगा भाई बेनियम की सूट से? बहुत हो गया तेरा ये का। कम ऑन, ये मारा इसको भाई बेनियम से, मेरे पास भी पावर आ चुका है, देख लो मैं इसको कैसे कैसे मार रहा हूँ। लेकिन इसको हरा नहीं सकता, इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। मुझे फिर से भागना होगा, मुझे चाहिए और भी पावरफुल सूट। भाई सब किसी तरह मैं बच के निकल गया, गैंग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, अपन उसको भाई बेनियम से भी हरा नहीं पाए, मुझे और भी कुछ करना होगा। अब भी अपन उड़कर आ चुके कमर दर्ज पर। अगर मैं गैंग को टेक्नोलॉजी और पावर से हरा नहीं सकता तो उसको मैं हराऊंगा मैजिक से। देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज है कहाँ पर। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज है कहाँ पर? ओके वो रहा डॉक्टर स्ट्रेंज। चलो मैं इसके पास आ चुका हूँ, उम्मीद है कि ये मुझे मैजिक सिखा देगा। ओए डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे अभी तेरी हेल्प चाहिए, मुझे मैजिक सीखना है क्योंकि। तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं मेरी जादू से पता कर लूंगा। पर क्यों, मैं तुझे बोलता हूँ मुंह से। अरे यार ये तो अपनी ध्यान में चला के आए, अब कितनी देर में पता करेगा क्या हुआ पता नहीं। मेरे को जल्दी था यार, क्या करूं मैं। चलो मैं इधर थोड़ी देर बैठ लेता हूँ। A few moments later. ओए टोनी, चल उठ जा, मैंने पता कर लिया है तेरे साथ हुआ क्या है। हाँ भाई बहुत ही अच्छा किया तूने, पिछले आधे घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ। मैं तुझे एक सेकंड में बोल देता कि कैंग आया है, मुझे हेल्प चाहिए तेरा। चल अभी ये बता, क्या तू मुझे मैजिक सिखाएगा या फिर नहीं? अरे ओ, मैं थोड़ा सा देख रहा था तू सच बोल रहा है कि नहीं, इसलिए मैं जादू से पता कर रहा था। खैर जो भी हो, मुझे कैंग के बारे में पता चला है, वो बहुत ही खतरनाक है। चल ठीक है, मैं तुझे मैजिक सिखाऊंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे लेकर आ चुका है टेम्पल की इस तरफ और इधर किसी तरह का मैजिकल शील्ड बना हुआ है। खैर जो भी हो, तू बस मुझे जल्दी से मैजिक सिखा। अरे हाँ हाँ, वही सिखाने के लिए मैं लाया हूँ इधर। सबसे पहले तुझे मेरी तरह हाथ में शील्ड बनाना चाहिए, एक बार तू ये सीख गया फिर तू एडवांस मैजिक को सीख सकता है। चल अभी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस मैजिक को करने के ट्राई कर। हाँ इसके हाथ में शील्ड तो आ रहा था, चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। हाथ को बस आगे करना है और फोकस करना है, मैं उसे शील्ड की तरह मुंह करके करता हूँ। All right, मैं तो इसको एक बार में सीख गया, वैसे कोई ज्यादा मुश्किल चीज है भी नहीं। चल मैंने सील बनाना सीख लिया है, अभी मुझे एडवांस मैजिक सिखा। अरे बहुत अच्छे टोनी, तू तो मुझसे भी तेज सीखता है। खैर जो भी हो, अभी नेक्स्ट वाली पार्ट में तू मैजिक से चीजों को कंट्रोल करना सीखेगा। ये देख मैंने पत्थर को उठा लिया है, अभी इस पत्थर को तू फेंकेगा सीधा इस तरफ और वो पत्थर सीधा चला गया उस मैजिक सील के पीछे, मतलब तुझे उस तरफ फेंकना होगा बहुत ही जोर से। बाकी दो पत्थर को तू फेंक, अगर तू ये चीज कर सकता है तो फिर तू ए वाले टेस्ट भी पास कर जाएगा। ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। पत्थर को मुझे उठाना है पूरी फोकस लगाकर, उठा भी लिया मैंने इसको एक बार में, अभी बस मुझे इसको फेंकना है। अबे जा, अबे यार पत्थर तो गया ही नहीं, थोड़ा सा गया है बस। चलो इसको मैंने फिर से उठा लिया है, अभी इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा। धीरे क्या ही फेंका है, अभी इस पत्थर की बारी है, इसको भी उठा लिया है, इसको मैं सबसे ज्यादा दूर फेंकूंगा। ये फेंक के मारा, ये तो टेम्पल के बाहर ही चला गया है। मैजिक सीखना इतना भी कोई मुश्किल बात नहीं था। खैर अपने पूरी मैजिक को सीख लिया शायद। हाँ तूने सब कुछ लगभग सीख लिया है, लेकिन अभी तक मेन चीज नहीं सीखा, पोर्टल बनाना। ये देख कैसे मैं पोर्टल बनाता हूँ इधर, इस पोर्टल की मदद से तू कहीं पर भी जा सकता है। ये देख मैं टेम्पल के इस तरफ आ गया और फिर से मैं लौट कर आ चुका हूँ तेरे पास। अभी बस अगर तू ये चीज को कर लेता है तेरा ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगा। चल ट्राई कर। अब मैंने इतना कुछ कर लिया तो इसको भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा पास पास ही करके देखता हूँ। लेट्स गो।
ऑल राइट, अपन तो इजीली पोर्टल को बना लिया है। चलो अपन चलते हैं। देख रहे हो अपन उधर से इधर आ चुके। पोर्टल में ट्रैवल करना तो बहुत ही आसान है। अपन फिर से आ चुके इसके पास। मानना पड़ेगा टोनी, तूने बहुत तेजी से सब कुछ सीख लिया है। खैर, इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ सिखा नहीं सकता। अभी तू पोर्टल से कहीं पर भी जा सकता है और तेरा ट्रेनिंग भी इधर ही कंप्लीट होता है। शुक्रिया डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे जादू सिखाने के लिए। चलो अभी अपन चलते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं पोर्टल से अगर मेंशन के अंदर घुस गया तो मेरे सबसे पावरफुल सूट को फिर से मैं रिपेयर कर सकता हूँ, और अगर मुझे वो वाली सूट मिल गया तो मैं कैंग को भी हरा लूंगा। चलो अपन अभी पोर्टल से चलते अपने मेंशन पर। ऑल राइट, अपन आ चुके मेंशन के अंदर। लेकिन कैंग ओके हो रहा कैंग, और उसने मेरे उस टूटी हुई आर्मर को अंदर लाए। ये करना क्या चाहता है? चलो मैं इधर छुप जाता हूँ, इसको पता भी नहीं चला। सच में मैजिक सीखने का कुछ तो फायदा हुआ। टोनी बोल रहा था ये उसकी सबसे पावरफुल आर्मर है, लेकिन इसको मैं रिपेयर नहीं कर सकता। इसके सॉफ्टवेयर में उसने लॉक करके रखा है। खैर कोई नहीं, वो भी उसके आर्मर को ले नहीं सकता। मैं सामने उसके लिए मौत बन के खड़ा रहूंगा। वो अगर आर्मर तक नहीं पहुंच पाया तो मुझे हरा भी नहीं सकता। चलो देखते हो अंदर कैसे घुसता है। भाई साहब वो तो चला के बाहर। उसको लगा मैं बाहर से आऊंगा। अबे पागल है क्या, अपने अभी मैजिक सीख लिया है। चलो यही मेरे लिए मौका है, फटाफट से अपन चलते हैं। उस सूट को मुझे जल्दी से जल्दी रिपेयर करना है। इसका काम थोड़ा सा बाकी था, उसने तोड़ दिया था। इसको मैं जल्दी रिपेयर कर भी सकता हूँ। काफी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली अपन इसको तैयार कर लिया है। अभी मैं कैंग को छोड़ूंगा नहीं। इस सूट के साथ तो अपन काफी तेजी से भाग भी सकते हैं। और ये इधर बाहर पेट्रोलिंग कर रहा है। क्या हो गया कैंग, मुझे देख के शौक हो गया? कमान एले तू। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? तू सूट तक पहुँच कैसे गया? हर एक टाइम लाइन में तूने मुझे हराया है, लेकिन इस टाइम लाइन में मैं हारूंगा नहीं। मैं तुझे मार डालूंगा टोनी। अरे भाई साहब, तो सच में मुझे फिर से मारने लग गया। लेकिन इस बार मेरे पास मैजिक की पावर है। थोड़ा सा तू इस तरफ आ जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों की फायर में मेरा मेंशन ही तबाह हो जाए। आ जा तू इस तरफ, तेरी तो एल तू। ऑल राइट, अभी मैं इसको बहुत ही ज्यादा मार सकता हूँ। अरे नहीं यार, इसने मार दिया है। वो ये तू क्या कर रहा है? अभी मैं तुझे दिखा दूं मैजिक की ताकत। इसको उठा लिया मैंने, दफा हो जा इधर से। क्या ही मारा इसको, लेकिन ये भी कम नहीं है। इतना मार खाने के बाद भी मुझे मार जा रहा है। मैजिक से अपन इसको काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है। अभी इसको मारने की बारी है। अबे रुक जा भाई, ये तो अभी बहुत तेजी से मार रहा है। इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है क्या? चल निकल इधर से, तेरी ऐसी की तैसी। ए ले तू फाइनल झटका। ऑल राइट, आखिरकार कैंग दी कॉन्करर को अपने हरा दिया है। सो गाइस, आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपन और भी ऑसम वाली जीटी वेब की वीडियोस लाएंगे। एंड आप लोग कमेंट में जरूर बताओ हम लोग और किसको अपडेट करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।